तस्वीरें ब्लर हैं, लेकिन हिम्मत वाली तस्वीर है। महिला ने अपने दुपट्टे से अपराधी को दबोच लिया है। अपराधी इस महिला के बेटे को मौत देने आया था, बंदूक लेकर घर घुस गया। बेटे को महिला ने बचाया तो घर में मौजूद पति के बड़े भाई को गोली मारा। लेकिन इस अपराधी की किस्मत खराब कहिए या फिर महिला की हिम्मत की दाद दीजिए, जबरदस्त हिम्मत दिखाई और अपराधी को धर दबोचा, गले में ऐसा दुपट्टा फंसाया कि क्या मजाल की छूट जाए। क्या हुआ, गोली मारी गई है, क्या है पूरा मामला? मेरा भाई का गोली लग गया है, मेरा बेटा को मारने के लिए आया था। हम अपना बेटा को पंजा में पकड़ पकड़ के बेटा को भगा दिए। उसके बाद मेरा भैंसू को जो पटक के ले जा रहा था उसको, हम जो उसको छीनने का कोशिश किया, मेरा बेटा को भैंसू को चला दिया गोली। उसके बाद भाग रहा था 10 किलोमीटर का, हम पकड़ लिए दुपट्टा में, जैसे कि फांसी खींचता है लोग, लपट के हम और उसको घुलट गए, उसको लेके घुलट गए, हम छोड़े नहीं, चढ़ गए। घटना बीते सोमवार के दोपहर की है, जब बेटे को मौत के मुंह से बचाने के लिए उसकी मां अपराधियों के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। अपने दुपट्टे को हथियार बनाकर मां ने अपराधी की गर्दन में फांस लगाकर पटक दिया। इस दौरान दूसरे अपराधी ने महिला मुन्नी खातून के जेठ मोहम्मद सुलो को गोली मार दी। महिला मुन्नी खातून के दुपट्टे से पकड़े गए अपराधी का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। अब पुलिस महिला के द्वारा पकड़े गए अपराधी से पूछताछ कर रही है। एक अपराधी पकड़ाया है, उससे जो है पूछताछ करने के बाद ही पता चल सकता है कि किस कारण से गोली मारा गया। जमीन संबंधी मामला बताया जा रहा है, घर में घुस करके गोली मारना जो है अभी जो है कुछ नहीं बताया जा सकता है। वो अपराधी से पूछा जाएगा कि गोली क्यों मारने आए। अपराधी को दबोचने वाली मुन्नी के इस वीडियो को जिसने भी देखा वो ही उसका मुरीद हो गया। अपने बेटे की जान पर जब बन आई तो महिला ने कैसे हिम्मत दिखाई। सहरसा से धीरज कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।